अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर ऑफिस होंगे, हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो का टाइटल है मेरे द्वारा वारिया, देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस। तो ये अपना कन्वर्सेशन है कमर चीमा के साथ, मेजर साहब की। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना, इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है। तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो? नुपुर शर्मा, अगेन आई एम सेइंग, नुपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन। और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा। चीमा साहब, आपने जो मैंने ट्वीट करे हैं आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे? आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान, पाकिस्तान, ISPR यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा, मैंने तो आज तक नहीं करा पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भारत में ये मेरी, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं चीमा साहब, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं गलत हूं या हो सकता हूं गलत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना, वो हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया कि तुम देखो बेटा, तुम गाली खाओगे, ठीक है, तुम गाली खाओगे, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, तुम जलील होगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है, तुमने कुछ बोल दिया तो सरतन से जुदा। यार ये तो गलत चीज है, पूरी इज्जत होनी चाहिए। मैं एज अ हिंदू मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रॉफिट मोहम्मद की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैं कहूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे थे, वो वहां गए, वो बैठे, वो चले, उन्होंने ऐसे बात करी, ये मेरे लफ्ज होंगे। ये लोग क्या कहते हैं टीवी में, ये बोलते हैं अरे वो राम था, कहां पैदा हुआ हमें पता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं कुछ भी, ये ऐसे बात करते हैं ना। तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV, then all the countries, Muslim countries will get together, say कि नूपुर शर्मा का सरतन से, ऐसे नहीं होता जी। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ चीमा साहब। इसमें नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया 26 तारीख को, रात की डिबेट थी एक खास टीवी चैनल पे, और रहमानी एक तरफ बैठे थे, नूपुर शर्मा एक तरफ बैठी थी, तो ये कहा सुनी हुई दोनों में, जिसने वो बोला, इसने वो बोला, जो भी बोला, that is well known to everybody. 3 जून को जुम्मा था, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी कानपुर में हुई बिकॉज मोदी जी वहां पे थे, थोड़ी बहुत हुआ, चुप। 10 तारीख को एक कोऑर्डिनेटेड पत्थरबाजी पूरे भारत में हुई, पूरे भारत में। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं चीमा साहब कि अगर मैं ये फैक्ट्स आपके सामने रखूं और आप मीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स, इसका मतलब ये जो था, जो आउटबर्स था पत्थरबाजी का, ये चीमा साहब, दिस वॉज नॉट ऑर्गेनिक। अगर मुसलमानों को उनकी वो आहत हुए या उनको बुरा लगा किसी चीज का, लगा भी होगा, जाहिर सी बात है लगेगा बुरा, इसमें कोई शक नहीं है, तो पहले क्यों नहीं हुआ, ये 10 तारीख को क्यों हुआ, ये 3 तारीख को क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको 2-4 फैक्ट्स बताता हूं। बात यह है कि यह पूरा एक प्लानिंग के तहत करा गया, क्योंकि अचानक इतने शहरों में एक साथ, एक जुम्मा छोड़ के अगले जुम्मे, इट वॉज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, राइट। मैं कोई बाहर की साजिश की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से कोई बैठ के कमरे में हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह भी है कि अल जजीरा ने एक ट्वीट करा कि दिस इज ट्रेंडिंग इन द अरब वर्ल्ड, उस समय ट्रेंड नहीं कर रहा था, अल जजीरा ने ट्वीट करा इसके मामले में। उसके बाद अरब कंट्रीज ने, आप देखिए 26 तारीख को नूपुर कहती है, 26 तारीख को नूपुर कहती है, वो अपना स्टेटमेंट नूपुर का 26 तारीख की रात को आता है, अरब वर्ल्ड ने 1 या 2 जून को रिएक्ट करना शुरू करा। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, नूपुर शर्मा का मसला है ही नहीं है, द टारगेट इज नॉट नूपुर शर्मा, द टारगेट इज इंडिया, नूपुर शर्मा का मसला है ही नहीं।
अगर नूपुर शर्मा का मसला होता तो 26 की रात को फसाद हो जाता, 27 को हो जाता, 28 को, 29 को, 30, ये 10 तारीख को क्यों हुआ? 10 तारीख को क्यों हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज चीमा साहब, जो आपने बात करी ये यू नो कि आपने ये पूछा कि क्या ये जो बीजेपी है या भारत का ऐसा क्यों वो रिएक्शन नहीं है, जो देखिए बात ये होती है ना कि हिंदू कंट्री सिर्फ दो हैं या तीन होंगी पूरी दुनिया में, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज 57 है, राइट। अब देखिए बात ये हुई कि इस बार बोला कि नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसमें मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भी झगड़ा है, उसका भी रिजल्ट ये है, कतर की सऊदी से नहीं बनती, ठीक है साहब, ईरान की सऊदी से नहीं बनती, इन्होंने तो 15-20 मुल्कों ने बैठ के कतर पे ब्लॉकेट कर रखा था 2 साल पहले, ठीक है साहब। तो बात यह, आपने देखा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आया, चुप, थोड़ा बोला उन्होंने, दे रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, देन दे सेड ओके। यूएई रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, दे सेड ओके। मुल्क कौन से थे जिन्होंने पूरा यह धमाल कराया? ईरान, फिर ईरान चुप बैठ गया, तुर्की आग लगाई चुप बैठ गया, कुवैत, कतर, कुवैत, कतर। अब आप देखिए पिछले 4 दिन से ना कुवैत है ना कतर है, सब चुप बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फोन गए होंगे उनको कि भाई हो गया, आप ठंडे बैठ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा चीमा साहब, इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, आपको अजीब सी बात लगेगी मेरी, इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, आई फील दैट हिंदू फोबिया इज रियल। और आप बोलेंगे क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेजर साहब, व्हाट इज दिस 80% हिंदू कंट्री में आप ये कह रहे हो कि हिंदू फोबिया इज रियल? यस, आई एम सेइंग, आई एम सिटिंग इन इंडिया राइट नाउ एंड हिंदू फोबिया इज रियल, एंड दिस इज नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, इट इज ऑल्सो फॉल्ट ऑफ हिंदूज। ये बहुत एक अजीब सी बड़ा पेचीदा मामला है चीमा साहब, इसके लिए साइकेट्री में पीएचडी चाहिए इसको समझने के लिए। मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से हमारे लेफ्ट ने एक हिंदू हेट्रेड का नैरेटिव, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा अभी, आई विल सेंड द वीडियोस टू यू, किस तरीके से जिनका हिंदू नेम है लेकिन वो लेफ्ट वाले हैं या कुछ लिबरल्स हैं, उन्होंने हिंदू हेट्रेड का एक नैरेटिव बना रखा है। एक बात बताइए, आधा वर्ल्ड या तो इस्लाम का है कंट्रीज के हिसाब से या क्रिश्चियनिटी का है, ठीक बात है चीमा साहब। मिस्र जो था वो तो मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान बन गया। ईरान जो था वो तो मुसलमान नहीं था, सऊदी तो मुसलमान नहीं था, ये तो जब इस्लाम आया, जब हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम लाए उसके बाद इस्लाम फैला दुनिया में। हिंदुस्तान में मुसलमान ही कहते हैं कि 800 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज रहा, ये सिर्फ वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे 800 साल मुसलमानों का राज रहा, लेकिन इवन टुडे इट इज मोर देन 80% हिंदू। क्योंकि आप पानी को काट नहीं सकते, हिंदुइज्म इज लाइक वाटर, आप जला नहीं सकते, आप काट नहीं सकते, उसके फायदे भी हैं उसके नुकसान भी हैं। नुकसान आप देख रहे हैं कि दैट इज इट इज सो फ्लेक्सिबल, फायदे आप ये देख रहे हैं। आप बता दीजिए, कोई मुल्क बता दीजिए, पूरा यूरोप क्रिश्चियन था, वो तो क्राइस्ट के आने के बाद फिर वो आए फैला, क्रिश्चियनिटी फैला, यहां पे भी 200 साल ईसाइयों का राज रहा, जब अंग्रेज आए थे, दो उनका ईसाई वाला वो चीज थी नहीं, दे केम फॉर प्योरली कमर्शियल पर्पसेस एंड कॉलोनियल पर्पसेस, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनके साथ मिशनरीज आए थे, हाँ कुछ लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, कुछ लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कंट्री स्टिल 82-83% हिंदू इन स्पाइट ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल। ये कैसे हो गया? ये भी चीमा साहब एक अलग इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा किसी दिन। जो भाई लोग वीडियो तो ही खत्म, अगेन ये एक बहुत ज़्यादा अहम मुद्दे पर मेरे साहब ने बात किया है, जो कि आजकल उनके मुल्क में थोड़े से हालात नहीं होता है, या जिस की वजह से उनको ये लगता है कि ये इशू हमारे मुल्क में पैदा हो गया, वो है सर अभी तक भी उतना ही मतलब ये इशू बड़ा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, या थोड़ा सा हालात जो है वो अनबैलेंस है, उधर थोड़ा अमन अमान का थोड़े से हालात जो खराब हुए अमन अमान के लिहाज से। सबसे पहले बात तो हम यही हर वीडियो में, लास्ट वीडियो हमने
टॉपिक पर की थी तो हमने यही कहा था कि सबसे पहले हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जो मुसलमान होते हुए, क्योंकि यह तो हमारा तो तलीम ही हमें नहीं ये दी जाती, जो मुसलमान होते हुए किसी गैर मुस्लिम को तनकीद करता है या उनके मजहब को झूठा या बुरा भला कहता है, हम तो सबसे पहले अपने मुसलमानों को इस लिहाज से कंडेम करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, शऊर वाला होगा, वो किसी के मजहब के बारे में बोल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके बाद हमने ये बात की थी नेक्स्ट पहली वीडियो में भी कि सबसे पहले हमारे लिए, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो अजीज तीन चीज़ है, हमें कोई दुनिया कायनात में कोई चीज़ अजीज इतनी नहीं जितनी हमें हमारे नबी की मोहब्बत है, उनकी नमूस है, उनकी इज्जत है। ये बात क्लियर काटे, इसमें कोई दो राय नहीं, 110% क्लियर बात है। सर भाई ये आपकी बात ये बात करता हूँ मेजर साहब को कि इंडिया वालों ने जो वो औरत का नाम क्या है नपोर शर्मा ने की है, गुस्ताखी की है, ये कैसे भी बोला है, उसको कंडेम करने के बजाय जो हिंदुनिज्म है वो सड़कों पे उसके हमायत में निकल आए हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि ज़्यादा हफड़ा तफरी होगी, ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा। जितना उसको कंडेम करते उसको नीचे लाते, उसको थोड़ी सी उसको सजा मिलनी चाहिए थी, वो एक भाई है भाई, उसको सुधार मिलेगी भाई, पर उसको कंटैप करने के बजाय उसका साथ देने का हमारे लीडर है भाई जितेश, किस तरह का उनको नाम है, वो अक्सर कमेंट भी करते हैं भाई, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं लेकिन अभी तक हम आपका रिस्पांस नहीं दे रहे, हम रिस्पांस भी अब देंगे भाई, गुजारा को दिया करेंगे रिस्पांस इंस्टाग्राम पर, उसका मैंने कमेंट पढ़ा था तो उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे मुल्क में ये लॉ है इसके अगेंस्ट, 153 एक पूरा आर्टिकल है हमारा, हमारी जो है ना आइन, उसके उसमें ये चीज़ है कि आप किसी मजहब की तुहीन नहीं कर सकते, कि तुहीन करेंगे तो आप पर 153 ए आर्टिकल लगेगा और उस पर लगाया गया है, जो भाई जो मुसलमान भी करता है ना तो उस पर वो लागू होना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और नपोश को भी सजा मिलनी चाहिए भाई, उसको उसका साथ देने के बजाय उसको आप अदालत में ले जाए, उसको सजा दिलाए, इसलिए भारत को तरक्की मिलेगी। इस वक्त भारत जो है इंडिया वो तरक्की कर रहा है, ऐसे मसले से उसका इमेज खराब हो सकता है भाई। अगर तो उस औरत को सजा ना हुई, ये नहीं कि नौकरी से निकाल दिए, ये सजा नहीं है, अब मैंने सुना है 17 थानों में 17 में उसके ऊपर पर्चे कट चुके हैं और उसको सजा होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई बंदा हिंदू इस तरह न कर सके, कोई मुसलमान उधर बैठ के किसी मैं हिंदू के किसी भी मंदिर को मतलब हिट न करे, उसको भी ये सजा होनी चाहिए। जिस तरह मेजर बात कर रहा था ना, क्यों हमारे जो मंदिरों के साथ किया जाता है, हमारे साथ भी इस तरह बोला जाता है, उनको क्यों नहीं रोकने वाले, वो भी होना चाहिए, उनको पहले सजा देनी चाहिए। आप क्या तो आइन में लिखा है ना, लेकिन हमारे दीन में लिखा है कि जो किसी मजहब के खिलाफ बोले वो हमारे वो मुसलमान है ही नहीं, वो हमें नहीं, नहीं वो तलीम ही नहीं हमें दी जाती भाई। हमारे इधर पाकिस्तान में ऐसा कोई भी मसला बड़ा नहीं, इशू बड़ा इशू नहीं है कि किसी के दीन के बारे में किसी मसले, हम नहीं कह सकते, हमें इजाजत नहीं, इतना मुझे ये बताया जाए कि आज अगर पाकिस्तान में हिंदू भी है, सिख भी है, मिर्जई भी है, ईसाई भी है, आज टिकर कोई रैली सिखों की, कोई रैली हिंदुओं की, कोई रैली मिर्जाइयों की, कोई रैली ईसाइयों की निकली हो किसी भी काम पे, हाँ महंगाई के ऊपर निकल आए वो एक अलहदा बात है, वो हर कंट्री में होता रहता है ऐसे इशू पे, या कोई नौकरी का मसला हो तो एक अलहदा बात है, मजहब के लिहाज से इन चारों में से मुझे आज तक पाकिस्तान में दिखा दो किसी ने कहा हमें से हमारे साथ यार पाकिस्तानी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तानी अवाम ने ज्यादती की, कभी आज तक हुआ ही नहीं। मेजर साहब बात कर रहे थे ये हम ये वाकया हुआ था 26 को हुआ था, और ये जो रिस्पांस आया था मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से ये 10 को या 2-3 को आना शुरू हुआ, इसमें एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एक तो आप पर आप तक मैसेज पहुंचने में देर हो सकती है, फिर कल मेरे तक पर नेट पर मौजूद है लेकिन हो सकता है मेरे तक अभी तक पहुँच ही ना हो, जब तक मेरे तक मैसेज नहीं पहुँचेगा तो मैं उस मैसेज पर रिस्पॉन्स किस तरह करूँगा, मेरे कानों तक बात आएगी तभी मैं रिस्पॉन्स करूंगा ना, हो सकता है कोई प्रोपेगेंडा भी हो सकता है आपकी मुल्क का, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि वो जो मैसेज था, ये वो जो उन्होंने किया था नपोश शर्मा ने,
जो गुस्ताख की या जो भी अल्फाज बोले हैं ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सोची समझी साजिश ये बोला क्या मेरा भाई, ऐसे नहीं बोला। नहीं वो कह रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ हो सकता है ये प्रोपेगेंडा किया गया मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से। अब हमें भी मेरे ख्याल में 7 या 8 को पता चला था कि ये पोश शर्मा कोई औरत है, उसने हमारे नबी के खिलाफ कुछ गैर इखलाकी मतलब अल्फाज बोले हैं। हम तक भी वो वीडियो मेरा ख्याल देर से पहुंची है, हम अटैच जरूर है नेट से, लेकिन हो सकता है कि हमारे तक वो मैसेज कन्वे होते होते आते आते देर हो गई हो, तो जब मैसेज आएगा तब भी हम रिस्पांस करेंगे ना, तब उससे पहले तो हम रिस्पांस ना कर सकते, हमें मालूमात हो गई तब भी उस पर रिस्पांस होगा। तो ये इसकी वजह ये हो सकती है कि जो मुस्लिम कंट्रीज ने लेट रिएक्शन किया, हो सकता है कि उनका जो मैसेज पहुँचा वो लेट पहुँचा, और कुछ कंट्रीज हैं जो बड़े हैं जिस तरह सऊदी। मेजर साहब कह रहे थे ना ईरान की तुर्की से नहीं बनती, सॉरी ईरान की सऊदीया नहीं बनती और कतर की भी सऊदीया से किसी के साथ ना भी बने, जब ऐसा मसला आ जाएगा मुसलमान अपनी जान कुर्बान देंगे, सब एक हो जाते हैं। आप देख लो आप पूरी दुनिया में मुसलमान 57 कंट्री है, वो एक ही है, वो एक ही है, कोई लड़ाई नहीं, अब कोई झगड़ा नहीं, अब कोई नहीं, कोई हद नहीं। यकूब भाई जो हिंदुनिज्म है उसके बारे में कोई बोलेगा उनका हाँ, पता है कि वो एक हो जाएगी है, हम तो कंडेम करते हैं, मतलब वीडियो शुरू करने से पहले हमने बार-बार ये बोला है कि अगर हिंदुओं के धर्म को भी कोई हिट करेगा उसे भी इस तरह की सजा हो जाएगी। भाई गुजार उनके आईने में है ना, हमारे तो तलीम ही क्या दी जाती है हमारे पढ़े लिखे सब इंडिया वालों को। ये कहता हूँ कि जो नपोश को साथ दे रहे हैं ना वो इंडिया के साथ दगा कर रहे हैं, वो उसके साथ दुश्मनी, उसका साथ नहीं देना चाहिए, हिंदुइज्म के बजाय उसको साथ देने की आप उसके साथ रैलियां में निकल रहे हैं। असल में जब आपके आईन में चीज की गई है या किसी के पास गलत कानून है, आपके मुल्क में कानून है, इसमें नुकसान भाई इंडिया का ही नुकसान हो सकता है आगे, क्योंकि पाकिस्तान या पूरी दुनिया जो 70 कंट्री है ना 50-70 कंट्री, उनमें भाई नुकसान आपका उधर भी हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपकी कंट्री के अंदर है, जो आवाम निकली हुई है वो आपकी कंट्री का खुद नुकसान कर रही है, ठीक है ना। कोई तोड़ फोड़ करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे, किसी को मार डालेंगे, इस तरह की बातें या ये काम करेंगे, आपके नुकसान होगा, हम पाकिस्तान का इधर कुछ नहीं उससे होगा, तो पाकिस्तान तो फिर भी बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे भाई। असल में बात भाई कुछ ये है, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, आपको खुद ये मामला हल करना पड़ेगा। सबसे मेन और बेहतरीन बात यह है कि हर मुल्क में हर मजहब को आजादी होनी चाहिए, हर किस्म हर तबका पाकिस्तान के अंदर सबको आजादी, हर तबका फिक्र को अपनी इबादत अपने जो भी रस्म और रिवाज है अपने दीन के लिहाज से मजहब के लिहाज से उनमें आज़ादी होनी चाहिए, इस पर हम भी कायल हैं, हमारा आइन भी कायल है, हमारा दीन भी सबसे पहले हमारा दीन हमें ये तबलीग करता है, ये दावा देता है, ये तलीम देता है कि आप किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये हमें सिखलाया जाता है सबसे पहले। तो ये जो मसला खड़ा हुआ है इस पर हम सीरियस अपना लेना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट्स को भी, जो मुसलमान भी करता है इंडिया किसी हिंदू मजहब क्लब उस पर हम सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका इशारा मेजर साहब कर रहे हैं मुसलमानों का भी हिंदुओं के साथ किया है, उन बंदों को पहले सजा दो और बाद में इसको होनी चाहिए, हम इस हक में है, हकीकत बात है, हमारा तो नहीं है हमारा ये को भी ये गोपाई की बात ठीक है, किसी को भी माफ नहीं होना चाहिए, बस पर बोलने नहीं चाहिए, हुकूमत है जो है ना गवर्नमेंट के आप सियासत करो लेकिन भाई सारे कानून के नीचे होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जमहूरियत जिस तरह मर्जी चली जाए लेकर किसी मजहब को जमहूरियत में ना लाओ, बस। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।